जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं भगवान शिव और माता पार्वती की अमर सुहाग देने वाली अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग की कहानी का व्रत होता है यह 5 सोमवार को किया जाता है और कोई कोई इस व्रत को इसका नियम लेते हैं जो कि संक्रांति, जो कि एक संक्रांति से लेकर अगली जो संक्रांति आती है तब तक पूरे एक वर्ष तक इसको नियम पूर्वक रोज सुनते हैं। और वैसे तो इसे 5 सोमवार आप कोई से भी शुक्ल पक्ष के से प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत को सोमवार से लेकर अगले 5 सोमवार तक आपको करना होता है और आखिरी सोमवार के दिन आपको 5 बर्तन, स्टील के कटोरा या कटोरी, जो भी आप ले, आपके सामर्थ्य अनुसार ले, उसमें सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि जो भी आप दे सकते हैं सुहाग की सामग्री आपको उसमें रखनी होती है। और एक मंदिर में चढ़ाकर आना होता है शिव पार्वती के मंदिर में और बाकी आप अपनी बहन बेटी को दे सकते हैं। तो वीडियो हम अमर सुहाग की कहानी का प्रारंभ करते हैं। उसके पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्रत त्यौहार एवं पूजा पाठ से रिलेटेड ही सारे वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, समय समय पर आते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुहाग की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थीं। 5ों बेटियां मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करती थी, दीपक लगाती थी और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। 4 बेटियां का दीपक बहुत देर तक लगा रहता था लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लौ देता था और जल्दी से बुझ जाता था। वह घर आकर माँ को कहती कि माँ, 4ों का दीपक तो अच्छी लौ देता है और बहुत देर तक जलता है लेकिन मेरा दीपक तो बहुत ही जल्दी बुझ जाता है। माँ ने कहा कि अब तुम दीपक में घी थोड़ा ज़्यादा डालना। थोड़ा समय बीत गया, ब्राह्मण ने 5ों बेटियों का विवाह कर दिया। 4ों बेटियों की यहाँ घर पर बहुत धन था, बहुत सुख आराम था लेकिन 5वीं बेटी के घर टका लाते व टका खाते, अर्थात दिन उगते ही लकड़ियों की भारी बनाकर लाते, तब कहीं जाकर नमक, मिर्च, आटा का गुजारा चलता था। तो भी 5वीं बेटी संतुष्ट थी, कोई बात नहीं। एक दिन उसका पति लकड़ियों की भारी लाता है, तब बेटी ने पूछा कि आज इतनी सी लकड़ियाँ कैसे लाए हो। तब उसके पति ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझसे इतना ही काम हुआ। जब उसके पति ने कहा कि आज मुझे बुखार था, मुझसे इतना ही काम हुआ। जब बेटी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रहा था तो बेटी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी, आपको बुखार है। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है तुम भी चलो। थोड़ी सी लकड़ियाँ काटते ही उसके पति को वापस बुखार आ गया और उसकी तबीयत खराब होने लग गई। वह तो थोड़ी देर के बाद ही उसे चक्कर आ गया और वह गिर गया और वह वहीं उसी स्थान पर मर गया। उस नितान जंगल में वह अकेली रह गई। अब वह सोचने लगी कि यह मुझसे उठेंगे नहीं और इनको मैं अगर घर यहाँ अकेली छोड़कर जाऊंगी तो शेर, चीते, जंगली जानवर खा जाएंगे। तो फिर वह अपनी गोद में अपने पति का सिर को रखकर मन में विलाप करती है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जिससे मेरे पति मर गए। उधर शिव जी, पार्वती जी का निकलना हुआ और पार्वती जी और शिव जी ने उसको देखा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि देखो पार्वती, इसके साथ क्या हुआ है, हम इसकी सहायता करते हैं। शिव जी और पार्वती नीचे उतर कर उनके पास आए और कहा कि बेटी, तुम घोर जंगल में रह अकेली क्या कर रही हो और यह क्या हो गया। तब उसने कहा कि यह मेरा पति है, मेरे पति की तबीयत खराब होने से उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तब शिव जी ने कहा कि अपने पति का शव लेकर घर चली जा,
यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब उसने कहा कि मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहाँ पर ही बैठी रहूंगी। जिससे शिव जी को उसके ऊपर दया आ गई और कहा कि तुम वही हो जिसका दीपक जल्दी से बुझ जाता था। तब उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि तुमने कभी सुहाग की कहानी सुनी? दीपक तो बहुत लगाती थी। जब उसने पैर गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं बहुत कहानी सुना करूँगी, कृपा करके आप मेरे पति को जीवित करो। जब शिव जी ने अमृत के छींटे देखे और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, अमृत के छींटे पड़ते ही उसका पति उठकर बैठ गया और कहा कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। बल्कि उसने कहा कि आपको गहरी नींद नहीं आई, बल्कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। ऐसी गहरी नींद तो किसी बैरी दुश्मन को भी ना आए। अब हम घर चलें और मैं सुहाग का उजमना करूंगी। और सुहाग के उजमने में 5 कटोरे स्टील के, 5 चूड़ियों का सेट, बिंदी, काजल, ब्लाउज के पीस और श्रद्धानुसार सुहाग का सामान और 5ों में अलग अलग 5 रुपये डालकर ब्राह्मण को देना है। 1 कटोरा सभी सुहाग सामग्री व 5 रुपये सहित एक स्टील के दीपक के सामने घी की बाती लगाकर महादेव जी के मंदिर में चढ़ाना है और दूसरे बचे हुए 4 कटोरे और सुहाग की सामग्री अपनी बहन बेटी को देना है। इतना वह करती है और घर आकर करती है यह सब चीज़, उसके तो सारे दुख पीड़ा नष्ट होकर बहुत सारे धन हो गए। अब वह आनंद मंगल से रहने लग गई। तो आपने सुनी अमर सुहाग की भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। आप चाहें तो आप भी इस व्रत को कोई भी सोमवार से लेकर 5 सोमवार तक कर सकते हैं, या फिर आप संक्रांति से पूरे वर्ष भर का नियम ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और आपको यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। लाइव फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।